हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रैनुअल्स इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पे अभी तक ये शेयर आपका हाई गया है 319.25, लो गया है 311। आज के डेट पे इस शेयर ने अभी तक रिटर्न दिया है 0.79% का और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है अराउंड रुपीज 314 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है रुपीज 7,780.25 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है रुपीज 8,387.65 करोड़ एंड पीई रेशियो है 16.74। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है रुपीज 848.62 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.42। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कमी है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है रुपीज 22.32, रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.95% एंड आरओसी है 26.49%। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 24.48% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 35.72%। ये जो कंपनी है ग्रैनुअल्स इंडिया, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 41.98%, पब्लिक का होल्डिंग है 31.85%, एफआईआई का होल्डिंग है 23.13% एंड डीआईआई का होल्डिंग है 3.03%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। लेकिन ये जो आपका 41.98% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका 10.59% शेयर प्लेज है, जो कि इस शेयर को थोड़ा सा आपका नेगेटिव करता है। मतलब ये एक आपका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है फंडामेंटली। ओके, और एक चीज देखिए, मार्केट के 75% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाई सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली आपका प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 2,895.20% का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस शेयर को अगर यहाँ से देखेंगे तो क्लियरली आप लोगों को एक अपट्रेंड नहीं दिखेगा। एंड कल का डे पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया है। एंड आज के डे पे भी ये शेयर आपका अपट्रेंड में ही है। डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 200 डेज 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी यहाँ पे देखिए अबव 60 है, एमएसडी 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन यहाँ पे देखिए एमएसडी का जो ब्लैक एंड रेड कलर का लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में एक आपका क्रॉसओवर होने वाला है। मतलब एमएसडी भी अभी आपका पूरा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये आपका है जून 2022 का लास्ट वीक, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है और अभी जो करंट वीक चल रहा है, इस वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और इसी वीक में जो कैंडल फॉर्म हुआ है, इस कैंडल ने क्या किया है, वीकली चार्ट के हिसाब से जो 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है उसको भी तोड़ दिया है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अपटेन हो चुका है, लगभग 60 का जो लेवल है वहां तक पहुंच भी गया है। अगर हम लोग एमएसडी की बात करेंगे तो एमएसडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट प्राइस है अराउंड आपके रुपीज 314.15, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 2 महीने के अंदर ये शेयर आपके रुपीज 350 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।